आप देख रहे हो आपका अपना गौरव जोन। तो आ जाओ भाई, देखते हैं मेरी खुराफाती फैमिली कर गई है। क्या हो रहा है? क्या पूछूं? तेरे घर में आ गया तो ये मेरा केक है फटाफट से। वो अपने लिए लाए न्यूट्रिला। न्यूट्रिला यम्मी। तो देख तेरा केक खा गई और मेरे को मना कर रही है। देख वो सीधा जाता है, ये दो टुकड़े खा ले। आकर कोई ड्राई केक आकर आपको नीचे ना दिया। तो बेसिकली अक्षर को मूड ऑफ है, देखो रोने ऐसी शक्ल हो रही है इसकी, देखना। तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था, पता है इसने बताई बात था, इसका दोस्त था चेन स्मोकर था, 21 साल की उम्र में उसको लंग कैंसर हो गया था क्योंकि वो स्मोकिंग बहुत करता था, चेन स्मोकर था। आजकल की यूथ को पता नहीं क्या हो गया, मम्मी ध्यान से ऐसा क्यों पता नहीं अपने आप को ज्यादा स्टैंडर्ड समझते, कूल समझते हैं आजकल की यूथ ना। तो ये वीडियो सभी यूथ के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ मैं, इसमें अपन टेस्ट करेंगे भाई कौन ज्यादा हानिकारक है, सिगरेट वर्सेस बीड़ी वर्सेस वेप वर्सेस हुक्का। आजकल का नया ट्रेंड आ गया कि मैं हम वेप कर रहे हैं तो हम बहुत कूल है क्लब्स में पार्टीज में, तो दिखाते हैं कि लोग सही में कूल है या फूल है। तो फटाफट से सामग्री उठा के लाते हैं और बनाते हैं। तो गाइस अब अपने को वेप मिला नहीं क्योंकि वेप बेचना इलीगल है, तो कहीं मिल ही नहीं रहा, बट अभी हम ये खा रहे थे रोल और हमें रोल खाते खाते एक भाई मिला, वो देखो वो वेप पी रहा है बंदा, तो उससे पूछते आ जा भाई ये क्या छुपा रहे हो, मैंगो बेरी क्या मैं देख सकता हूँ भाई? तो भाई ये भाई पी रहा है आई गेट का मैंगो बेरी, तो मैंगो जैसी फ्लेवर आती है पूरी भाई। एक्चुअली क्या है मेरे को ये कहीं मिल नहीं रहा, तो मेरे को एक वीडियो बनानी है एक्सपेरिमेंट, क्या मैं ये ले जाऊँ थोड़ी देर के लिए? तो भाई से मैं ये उधार ले रहा हूँ क्योंकि ये मिल नहीं रहा हूँ, मैं यूज करता नहीं, तो ये लेके जा रहे हैं, इसके बदले जो भी होगा मैं आपको पेटीएम मार देता हूँ। So, भाई अभी अपन दूसरी दुकान में आ गए सिगरेट और बीड़ी खरीदने। ये देखो सिगरेट ले ली है और पटाखा लिया मैंने, विदाउट फिल्टर वाली बीड़ी है ना, विदाउट फिल्टर। तो रिएक्शन ही नहीं दिया भाई साहब, चलो ना वीडियो देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं भगवान जाने। तो अपन ने सिगरेट ले ली है, कौन सी सिगरेट है भाई साहब ये भी नहीं बताओगे क्या? गोल्ड फ्लेक, तो गोल्ड फ्लेक वाली सिगरेट ले ली है ये देखो, तो ये हमारी गोल्ड फ्लेक वाली सिगरेट है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। तो बाकी अपन ने ले लिया जलजीरा क्योंकि मैं तो भाई जलजीरा ही पीता हूं। अब चलते हैं अपन घर और एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेबल स्पेशली मैंने मंगाई है, ये बहुत बड़ा व्लॉग होने वाला है इस सदी का, है ना। तो गाइस अभी अपन आ गए हैं हुक्के की शॉप पे और ये हमारे दोस्त है हैरी भाई। कैसे हो? बढ़िया एकदम बढ़िया। भाई अपन एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रहे हैं सिगरेट वर्सेस हुक्का वर्सेस एवरीथिंग, जो नशा करता है सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत मिथ होती है कि सिगरेट ज्यादा हानिकारक है या हुक्का? ज्यादा है कंपैरेटिवली, मतलब मेरा परसेप्शन ये है कि हुक्का मेरे का जो ज्यादा है जस्ट बिकॉज क्योंकि क्लोज रूम में किया जाता है, मे बी एक रीजन ये हो सकता है। सेकंडली एक रीजन जो लोग कहते हैं वो ये है कि सेशन जो होता है ना डाइजेस्ट फॉर लाइक 1 आवर 2 आवर, तो वो ज्यादा हानिकारक इसलिए है क्योंकि सिगरेट आदमी 5 मिनट तक पीता हुक्का एक घंटे तक चलता है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो यही अपन टेस्ट करेंगे घर जाके। तो हैरी भाई एक हुक्का लेके जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं तो पीता नहीं, तो सामान भी दे दो, ये वाला हुक्का लेके चलते हैं और थोड़ा सामान दे दो, फ्लेवर फ्लेवर ये वो फ्लेवर कोल्ड दे दो, कोल्ड क्या कोकोनट लेंगे या मैजिक कैसा? तो गाइस अभी अपन ने हुक्का ले लिया है और हुक्के का सामान ले लिया है, तो चलो चलते हैं घर। सो गाइस अभी अपन आ गए हैं घर और हमने पूरा सेटअप रेडी करा है। ये वीडियो ना मतलब इंटरनेट पे आप खोजोगे ना ऐसी वीडियो किसी ने नहीं करी है, लोगों ने करे है कंपेयर सिगरेट हुक्का और इन सब के करे हैं, लेकिन किसी ने चारों एक साथ नहीं करी। तो ये देखो अपन ने सारे नशे इस टेबल पे फैला लिए हैं, तो हम पे ये है पटाखा की बीड़ियां, ये देखो पटाखे की बीड़ी है, ये आप देख सकते हो 502 पटाखा है, ठीक है ये देखो पटाखा है। फिर हम पे ये गोल्ड फ्लेक की सिगरेट है, 5 लेके आया था मैं, देखते हैं भाई इससे कितना होगा, ये डब्बा पता नहीं किसका है। फिर हमने मेरा दोस्त हुक्का बना के रेडी करके गया है, तो ये रहा हुक्का, ये भी पूरा इस पर कोल वोल लगी पड़ी है, ये भी पूरा रेडी है। और ये है आई गेट, देखते हो भाई आई गेट लिखा है। अब मम्मी आई है, अब हम सेटअप पूरा रेडी कर रहे हैं, और थोड़ा बड़ा करो ना वैक्यूम का पाइप लगेगा, तो इसे छेद कर रहे हैं ताकि ये जो नशा है ना ये खींचते हुए ये कॉटन हमारा लंग्स का काम करेगी, ठीक है। और यहाँ से हुआ सक्शन, ठीक है, जो ये अपना वैक्यूम है, तो वैक्यूम देखता हूँ भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये देखो चल गया। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना, देखो सबको बीड़ी सिगरेट के बारे में पता है लेकिन बहुत से लोगों को वेप के बारे में नहीं पता। तो वेप होता क्या है बेसिकली? बेसिकली वेप में ना जूस डाला जाता है और उसमें बैटरी होती है, जब उसको अपन खींचते हैं ना जो जूस होता है वो वेपराइज होता है,
तो वेपराइज वर्ड से वेप आया, तो जैसे वो वेपर्स बाहर आते हैं तुरंत ही वो कंडेंस हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को वेपिंग बोला जाता है, क्योंकि आप वेपर्स को इनहेल कर रहे हो, समझ रहे हो, तो इसलिए इसको बोला जाता है वेपिंग। अब कुछ मैं आपको डाटा पे नजर डालू तो आप ये जो नंबर्स है ना सुन के शॉक हो जाओगे, क्योंकि भाई किसी ने ये अफवाह फैला रखी है कि भाई सिगरेट से बढ़िया अच्छी वेपिंग होती है, तो बहुत से यंगस्टर्स ना वेपिंग करने लगे हैं। और ये भाई 2013 में 2.6 मिलियन था, 2014 में 3.7 मिलियन हो गया, ऐसे करते करते अभी रिसेंट 2021 में जो इसका हिसाब किताब आया वो 55 मिलियन के हिसाब आया भाई, 55 मिलियन लोग वेपिंग करते हैं। और एक और डाटा मैं आपको बताऊं, आपके तोते वोते उड़ जाएंगे कि भाई 55 मिलियन ई सिगरेट्स भी वेपिंग को ही बोला जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड यूज हुई थी 2021 में, और जो इसकी सेल है वो 15 बिलियन डॉलर से लेके कितनी हो गई है 40 बिलियन डॉलर, यानी 50 बिलियन डॉलर का इनका एस्टिमेट है कि भाई 2023 या तक ये अचीव कर लेंगे। तो सोचो कितने बड़ा सेल इनके बन रही है सिर्फ वेप्स को बेच के। कालो सो गाइस, अभी अपन ने कर लिया है सारा सेटअप रेडी, तो हमने कुछ ऐसा बनाया है, ये जो कॉटन है हमारे लंग्स का काम करेगी, या हम पी रहे हैं ये हमारी थूत है, यहाँ से हम लिप्स लगा के पीते हैं, नशे करते हैं सारे टेढ़े मेढ़े, और यहाँ से सक्शन का काम करेगा, यहाँ से कैचा, तो इसका धुआं कॉटन में होते हुए निकल जाएगा। फिर अपन एंड में देखेंगे कि भाई चारों चीजों में से सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और ये जो आई गेट का वेप होता है, तो कौन से में सबसे ज्यादा कॉटन गंदी होती है, कौन सा सबसे ज्यादा हानिकारक है, आपको क्या लगता है इन चारों पांचों में से कौन सा लगेगा? थोड़ा नहीं, लंग्स को कौन सा काम करे, चलो मैं मानता हूँ धुआं दे भी रही है लेकिन फिर सिगरेट, चलो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है। और ये देखो हमारी ऑडियंस ये रही, क्या देख रही है भाई, तूने कभी पिए बीड़ी, पिए सिगरेट, पिए पिए एक्सपेरिमेंट। सो भाई सबसे पहले अपन करते हैं किससे करें, बीड़ी से करें, सिगरेट से करें? हाँ, पहले सिगरेट से करते हैं। सिगरेट से करते हैं, तो भाई देखते हैं भाई सिगरेट कितना हानिकारक है। आ जाओ इधर आ जाओ। तो अपन ने छेद कर दिए हैं, पहले मैं इसको जला दूं, एक एक करके सबको जला दूं। अकेले ले जा इसको, आप लगाओ वैक्यूम, ऐसे नहीं जलने की। सिगरेट में क्या दिक्कत आ रही थी, सिगरेट है ना गर्म धुआं होता है तो वो ना प्लास्टिक भी पिघला रही थी गर्म धुएं से, तो आई गेट में ये बेनिफिट रहता है आई गेट और हुक्के में कि इनका धुआं ना कोल्ड होता है, आपके अंदर तक जलाता नहीं है, जैसे प्लास्टिक भी पिघला दी थी ना ये नहीं हो रहा। चलो इसको और करके देखते हैं, शायद और कॉटन काली हो जाए। अभी आई गेट खत्म हो गया है, ठीक है, तो अपन ने पूरा इसको निचोड़ लिया, अब अपन इसको यहाँ रखते हैं बैक शॉट में, सब आया। सो अब गाइस अपन क्या करेंगे, अभी अपन सारा कर लेते हैं, ठीक है, रुको पहले हुक्के में आ दो, फिर अपन देखेंगे एंड की क्या कौन कौन सी कॉटन आ रही है खुल खुल के, तो पकड़ो मम्मी। ये अभी हुक्का है, हुक्का हमारा ना जला हुआ है अभी तक, ये हुक्का कम से कम 1-1.5 घंटा चलता है, लेट्स सी क्या होता है। हाँ ये देखो सही होता है हमारा, ये देखो
दुआ कैसे घूम रहा है अंदर बॉटल में, दिखा। ये देखो पूरा दुआ घूम रहा है, और सामने देखो पोल यहाँ से खिंच रहा है ना, तो एयर प्रेशर, ये देखो उसका सामने से खिंच रहा है तो एयर प्रेशर कैसा लग रहा है ये देखो। हाँ, और पानी गुड़गुड़ कर रहा है, गुड़गुड़ दिख रही है पानी, गुड़गुड़ कैसे कर रहा है। हाँ, तो 5 मिनट हो गए हैं हुक्के को, तो ये भी चिल्ड है, चिल्ड है बिल्कुल, तो इसलिए शायद पार्टीज में लोग हुक्का पीते हैं। अब बारी है बीड़ी की, अब ये बीड़ी जलाते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट सारे आपके सामने हैं। इसकी बहुत बुरी आदत हो गई, तो अब ये बीड़ी जल चुकी है। हाँ, ये देखो धुआं आता जा रहा है भाई, सबसे बुरी बदबू इसकी है भाई, इतनी भयंकर बदबू है भाई। तो अंदर, ओ भाई अंदर देखो कैसी आग से लग गई है, इतनी गर्म हो गई है, पेड़ से पकड़ी भी नहीं जा रही, कदम गर्म हो गई है, आधी बीड़ी भी नहीं सुन गई, और देख इसका क्या हाल हो गया। ये देखो भाई आधी बीड़ी, भाई इस जूम है ना फोकस है, भाई इस कदर बदबू आ रही है, इसको सूंघा भी नहीं जा रहा, बाहर आओ यार, बाहर शॉट लेके आ, बहुत बदबू आ रही है, अगरबत्ती। ये देखो भाई कितना काला हो गया, सिर्फ आधी बीड़ी जली है अभी, तो पूरी जला भी नहीं पाया मैंने, तो इसको आ जाओ पूरा खींचते हैं, जैसे तैसे आ जाओ। क्या 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 सबसे पहले अपन ना वेव वाला क्वार्टर निकाल के रखते हैं, देखते हैं भाई इसने लंग्स को कितना हार्म कर। ये देखो अब काट रहे अपन इसको, तो ये आ गई है भाई वेव की कॉटन, ये देखो सब आपके सामने, एंड तक निकालता हूँ इसको, तो भाई ये वेव की कॉटन है ये सारी, इसको तो ज़्यादा पसंद, इसका मतलब वेव कम हेल्दी है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई वेव पिया करो सिगरेट छुड़ाने के लिए, सिगरेट ज़्यादा हानिकारक है, तो ये सारी वेव की है, ये देखो ये निकाल के अपन दे, अब अपन फाड़ते हैं ये सिगरेट की जिसकी बहुत बुरी आदत हुई है भाई, प्लेट प्लेट से प्लास्टिक पूरी पिघल चुकी है भाई, इतनी बुरी हालत हो गई है, सिगरेट है ना ऐसे कर देती है तुम्हारे लंग्स को देख। सो भाई अभी अपन ने फाड़ ली है सिगरेट की, ठीक है, और सिगरेट में देखते हैं आपकी कितना टार जमा हो गया, सिगरेट में होता है टार, ठीक है, ये देखो पूरी कॉटन काली हो गई है, और ऊपर की देखूँ तो ये देखो ये तो खैर जलती हुई सिगरेट आ गई थी, बट इतना टार तुम्हारा सिर्फ 5 बीड़ी में आता है, 5 सिगरेट में इतना टार तुम्हारे लंग्स में आता है। और जो लोग भाई यकीन मानो 3-3 साल पी रहे हो डेली की भाई 5-5 सिगरेट पी रहे हैं, तो देख लो उनका क्या लंग्स का क्या ही बन चुका होगा भगवान जाने। तो ये सिगरेट का यहाँ रखते हैं, ठीक है भाई, अब अपन ने ये बीड़ी का ही फाड़ लिया है, तो ये है बीड़ी का, ठीक है भाई, बीड़ी का देखते हैं भाई जो लोग बीड़ी पीते हैं उनके लंग्स में क्या होता है, किस कदर लंग्स हैं इनके, ये भाई बीड़ी वालों के लंग्स खुल गए, ये देखो जी ये बीड़ी वालों के लंग्स हैं, ये देखो, और ये तो पूरा गीला सा भी हो गया, ये देखो पूरा टार सा निकल रहा है, बीड़ी कितनी किस कदर हानिकारक होती है, इसमें ना फिल्टर नहीं होता है गाइस, तो धुआं फिल्टर होके नहीं आता है, यकीन मानो जो लोग 2 साल भी बीड़ी पीने हैं ये मात्र 7-8 बीड़ी का हाल है, 7-8 बीड़ी का, उनके लंग्स का क्या ही होता हुआ, ये देखो, तो ये बीड़ी का हो गया, और ये है हुक्के का, ये लो जी हमने हुक्के का भी निकाल के साइड रख दिया, हुक्के का भाई अनटैक्ड है भाई, इसमें हुक्के में टार नहीं होता, ये देखो बिल्कुल टार नहीं होता हुक्के में, तो ये मेरा हाथ जो काले हो रहे हैं उससे काली हो रही है, तो हुक्के हुक्का और वेव सेफ है, बट देखो स्मोकिंग कोई भी सेफ नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुक्का करो या वेव करो, बेसिकली अगर आपको सिगरेट छुड़ानी है तो आप शिफ्ट कर सकते हो वेव पे, क्योंकि वेव उससे कम हानिकारक है, लेकिन हानिकारक वेव भी है, बट क्या है देखो जब आपको लत लग लग जाती है ना चेन स्मोकर बन जाते हो, तो आपसे डेली सिगरेट ऐसे झट से छूटी नहीं जा सकती, तो आप धीरे धीरे करके वेब पे आ जाओ हुक्के पे आ जाओ, और बेसिकली हुक्का क्या करता है ना भाई, ये आदमी बैठता है तो 1-1 घंटे तक हुक्का पीता है, तो 1 घंटे तक पी रहा हुक्का तो खराब ही है ना, ऑक्सीजन के अलावा हमारे लंग्स में कुछ भी जा रहा है तो हानिकारक है,
तो हुक्के का हम साथ में रख देते हैं ये देखो। तो भाई ये रिजल्ट निकला भाई वेप का, तो भाई ये रिजल्ट निकला है वेप का, सिगरेट का, बीड़ी का और हुक्के का। तो इसलिए स्मोकिंग हानिकारक होती है, मानो तो मान जाओ वरना मेरे करके तो गो खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मैं अपनी वीडियो के हिसाब से आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई ये चीजें अवॉइड करो। सो भाई ये देखो टार कितनी आती है भाई, मात्र 5 सिगरेट में टार का हाल देख लो। अब दूसरी उंगली से निकालता हूँ मैं ये देखो, तीसरी उंगली से निकालता हूँ ये देखो, पूरा अंदर तक चला गया टार, ये देख लो। ये होता है टार जो सिगरेट में होता है भाई, बहुत ही बुरा हाल है भाई ये देखो। और ये ऐसा है चुप चुपा सा, और ये गाइस ऐसा है, और ये गाइस ऐसा है चुप चुपा सा, ये देख रहे हो पूरा हाथ सन गए, और ये हाथ देख रहे हो गाइस ये पूरा ऐसा चुप चुपा सा है। और ये वैक्यूम की बैक साइड देखोगे तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो भाई ये देख रहे हो टार अंदर भी जम गया, ये देखो यहाँ से पूरा टार ही टार हो गया। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, और किस चीज के बारे में आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस चैनल पे मैं थोड़ा और एक्साइटिंग करा जाए, ब्लॉग्स के साथ साथ नॉलेज भी दी जाए। तो मेरा मोटिव ये हफ्ते में एक आध बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक करो और पूरी दुनिया में फैलाओ कि स्मोकिंग कितनी डेंजरस हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, 5 मिलियन की तू से करीब है।